डीएलएफ का नाम सुनकर भले ही आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग याद आए, लेकिन कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स केपी सिंह ने जो बात कही है वो दिल छू लेने वाली है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी एक अहम बात बताई है। उन्होंने बताया है कि स्पाउस, साथी या पार्टनर की अहमियत क्या होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। केपी सिंह ने कहा, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी। मेरी पत्नी मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं थी, बल्कि वो एक हमेशा सपोर्ट करने वाली दोस्त थी। हमारी एक दूसरे से खूब बनती थी, हम एक साथ बड़े हुए थे। केपी सिंह की पत्नी का 2018 में कैंसर से निधन हो गया था। उनका नाम इंदिरा था। उसके बाद केपी सिंह ने अपनी कंपनी की एक्टिव मैनेजमेंट से खुद को अलग करने का फैसला किया। डीएलएफ के चेयरमैन एमिरेट्स ने पत्नी के गुजर जाने के बाद की अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ साल बहुत अकेलेपन वाले थे। केपी सिंह ने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आखिरकार हम कुछ नहीं कर सके। आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कंपनी के कामकाज पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने एक्टिव मैनेजमेंट से खुद को अलग करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, केपी सिंह ने बताया कि उनका मानना है कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपका पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है, आपको एक्टिव रहना होगा। केपी सिंह ने कहा कि उन्होंने एक्टिव एग्जीक्यूटिव रोल से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि ये स्वाभाविक है कि जब आप 65 साल के बाद एक पार्टनर को खो देते हैं तो आप वो व्यक्ति नहीं रह जाते जैसे आप पहले थे। आप अलग तरह से सोचने लगते हैं, इसलिए मैं खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही डीएलएफ के एमिरेट्स की भूमिका में आने की दूसरी वजह के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जब आप 90 साल के हो जाते हैं तो आपको एक लिस्टेड कंपनी के मैनेजमेंट से खुद को अलग कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मेरे बच्चों को ये जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए और मुझे एमिरेट्स हो जाना चाहिए। कई लोग चीजों को खींचते रहते हैं लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। केपी सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के गुजर जाने के बाद जिसे आप बेहद प्यार करते हैं वो आपको धीरे कर देता है। जब आप 91 साल की उम्र में अपने पार्टनर को खो देते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं सुस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुस्त पड़ गया हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ, खासकर कंपनी से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर सुस्त हुआ हूँ। उन्होंने आगे कहा, ये सही है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसने ओरिजिनल वैल्यू के साथ तेजी से कंपनी को आगे बढ़ाया है, इसलिए मैं खुश हूँ। बिजनेस की इनसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।